हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक एवरीबॉडी। कैसे हो एवरीबॉडी? चलो बात करते हैं सिंगल्स डे के बारे में। यस, इट्स अ सिंगल्स डे, नॉट वैलेंटाइंस डे। तो पता नहीं है क्या होता क्या है एक्चुअली वैलेंटाइंस में। तो देखो, सबसे पहले तो शुरू होता है तुम्हारा रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, मतलब बंदी रेडी है। लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती है लास्ट में, जब आता है वैलेंटाइंस डे। तुम तो भाई पूरी प्लानिंग के साथ आए हो, तुमने भाई सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास रेडी करके रखा है, लेकिन तुम्हें क्या पता बंदी तुम्हारा छुट्टी अब भी काटने वाली। गजब का मारा है। तुमने रोज दिया बंदी ने ले लिया, तुम खुश। तुमने टेडी दिया बंदी ने वो भी ले लिया। तुमने चॉकलेट दिया बंदी ने वो भी ले लिया। हग भी दे दिया तुमको, किस भी कर दिया। अब तो तुम भाई सोच रहे हो कि बंदी फुल सेट है। लेकिन भाई साहब, प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तुम्हें नहीं पता कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। जाकिर भाई ने कहा है हक से सिंगल, लेकिन नहीं, कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो प्रॉब्लम वही है तुम्हारी कि तुम पहले समझ ही नहीं रहे हो कि हक से सिंगल का मतलब क्या है। इसे ही कहते हैं KLPD, मतलब तुमने पूरी तैयारी करके रखा है, सब कुछ सेट है, लेकिन बंदी ने एन मौके पे तुम्हारा चूतिया काट दिया। तो इसीलिए कहता हूं कि अपने हाथ से सुंदर कोई है ही नहीं यार। देखो अपने हाथ की तरफ देखो, इतना सुंदर हाथ कहां मिलेगा तुम्हें यार। सोच के बोलो साहब। तो यार, इससे पहले कि तुम वैलेंटाइंस डे पे अपना चूतिया कटवा के अपना दुखड़ा सुनाओ, तुम क्यों ना पहले ही सिंगल्स डे मनाना शुरू कर दो यार। सिंगल्स डे वही अल्टीमेट खुशी है। देखो अपने हाथ की ओर, इससे सुंदर कोई मिल सकता है तुम्हें? यही वो हाथ है जो हर समय, दुख के समय, सुख के समय, कोई भी सिचुएशन रहने दो, हमेशा काम आता है। तो यार अपने हाथ से प्यार करो। ये लौंडियां क्या है, आती जाती रहेंगी, इनके चक्करों में मत पड़ो। इसीलिए कहता हूँ सिंगल्स डे मनाओ, वैलेंटाइंस डे में कुछ नहीं रखा है। अब अगर तुम समझ गए हो कि वैलेंटाइंस डे नहीं सिंगल्स डे है, तो आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ना यार शुक्रिया, पिछली वाली वीडियो में तुमने जो व्यूज ला के दिए ना यार, कमाल। तो इसमें लेकिन गालियां बहुत पड़ी है यार। सबसे पहले तो वो भक्त है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब सिचुएशन है क्या। बस भाई साहब, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। ना ना ना, 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 ना। तोबा तोबा, हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। हमने तो दो स्टेटमेंट्स को साइड बाय साइड रखा है, लेकिन भाई साहब आप समझ नहीं पा रहे हो कि चल क्या रहा है सिचुएशन। तो उन भक्तों के लिए तो 2 मिनट का साइलेंस। चलो 2 मिनट नहीं रख सकते हम, बहुत हो गया। तो यार देखो, भक्तों के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते, डिसलाइक मारने वाले भक्त हैं। लेकिन दूसरा कमेंट यार, भाई साहब ओवर एक्टिंग, रियली दिस इज ओवर एक्टिंग। तुम्हें लगता है ओवर एक्टिंग कर रहा हूं मैं? सोच के बोलो साहब। हाँ, कर रहा हूँ ओवर एक्टिंग, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए करना पड़ता है यार। समझा करो, फीलिंग्स तो समझो यार, एंटरटेनमेंट है, ओवर एक्टिंग करना पड़ता है। ड्रामा कर रहे हो? कौन सा मैं फिल्म कर रहा हूँ? मेरी वीडियो, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं एक्टर हूँ। जो डिसाइड करना है मैं करूंगा, मैं खुद करूंगा। मुझे क्या करना है, कैसी ओवर एक्टिंग करना है, मैं डिसाइड करूंगा। तो यार सॉरी ओवर एक्टिंग के लिए। लेकिन भाई साहब जो व्यूज लाके दिया है ना यार, आपने कमाल तो कर दिया यार, उसके लिए शुक्रिया। और भाई साहब हमारे 7,000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो गए, तो दिल से, तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन। चूतिया साल। तो यार हम बात कर रहे थे वैलेंटाइंस डे के बारे में, जो होता है 14th फेब को, यानी कि आज। लेकिन ये शुरू हो जाता है 1 वीक पहले से ही। और भाई साहब ये कोई मतलब कम नहीं है। लोग शुरू कर देते हैं रोज डे से। भाई रोज डे में क्या है, तुम फूल लेके जाओगे, लड़की फूल ले लेगी, क्या दिक्कत है। फिर तुम टेडी लेके जाओगे, लड़की टेडी भी ले लेगी, मिल रही है आती हुई लक्ष्मी को, कौन ना बोलता है। भाई बंदी ले लेगी, चॉकलेट दोगे चॉकलेट भी ले लेगी, तुम जो बोलोगे वो लो लेगी। और अब जब तुम बोल रहे हो किस दे दे, तो भाई साहब चलो ठीक है, इतना कुछ लिया है, किस ही तो है, दे देते हैं। फिर हग मांगोगे, चलो हग में भी कुछ नहीं रखा। लेकिन असली चूतिया कटता है 14th फेब को, जब होता है वैलेंटाइंस डे का। तुमने भाई पूरा प्रोग्राम सेट करके आया है, तुमने सोचा कि आज मजे करेंगे, बंदी ने तक सब चीज के लिए हाँ बोला है, सब कुछ ले लिया, तुम्हें लग रहा था कि तुमने बंदी पटा लिया, तुमसे बंदी सेट हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। असली चूतिया कटता है तुम्हारा आज वैलेंटाइंस डे पे। तो भाई साहब वैलेंटाइंस डे मतलब तौबा तौबा, तुम जाओ अपने घर से निकलो, गलियों में घूमो, देखो क्या क्या नजारे देखने को मिलते हैं। और भाई साहब जो बजरंग दल वालों का जो खौफ है ना, वो भी अलग लेवल पे है। तो 14th फेब को तुम्हारा असली चूतिया कटता क्यों है यार? क्योंकि बंदी को भी पता है कि तुम्हारी औकात क्या है, वो बस चेक करना चाहती है तुम कब अपनी औकात पर आओगे। तुमने दिया उसको चीजें, उसने ले लिया भाई साहब। लेकिन जब तुम बोलोगे आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच,
यही दिन देखने के लिए तेरे को फ्रेंड बनाया था मैंने। मैंने तो तुम्हें अच्छा फ्रेंड सोचा था, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरा चूतिया काट दिया। अबे चूतिया तो तू काट रही है हम जैसे लोगों का जो सिंगल होने के नाम पे वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि सिंगल्स डे सेलिब्रेट करो, नहीं तुम्हें करना था वैलेंटाइंस डे, तुम्हारी गलती। भूतो अब सच्ची कह रहा हूँ, इसमें दो टाइप के लोग आते हैं। पहले जो जाकिर भाई की बात नहीं मानते, मैंने पहले कहा था भाई सख्ती बरकरार रखो, लेकिन नहीं तुम्हें तो पिघल जाना था, थोड़ी सी खूबसूरती देखी नहीं पिघल गए भाई साहब, सख्ती कहाँ जाएगी। और दूसरे वो लोग आते हैं जिन्हें अपने हाथ से प्यार नहीं है, मतलब बंदी देखी नहीं और पिघल गए, लाल टपकाते हुए चल दिए। नहीं यार, अपने हाथ की तरफ देखो, इससे खूबसूरत कोई। मेरे से ना हमेशा पूछते हैं मेरे दोस्त, भाई तू सिंगल क्यों है यार, तू सिंगल क्यों है, मतलब मेरे को आज तक कोई मिले नहीं जो मेरे हाथ से खूबसूरत हो। तो भाई सब क्या कर सकते हैं यार, नहीं तुम समझने को तैयार नहीं हो, इसीलिए कहता हूँ देखो अपने हाथ की ओर देखो यार, इससे सुंदर कोई मिल सकता है तुम्हें? यही वो हाथ है जो हर मौके पे, हर दुख के समय में, हर खुशी के समय में काम आता है यार। ऐसा कोई मिल सकता है जो तुम्हारे हर जगह पे हर मौके पे काम आए? नहीं, इसीलिए कहता हूँ अपने हाथ से प्यार करो, सख्ती बरकरार रखो, हक से सिंगल। जाकिर भाई की बात मानो यार, मेरी मत मानो, जाकिर भाई की तो मान लो। अंत में ना बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ये बाबू सोना इच्छी पिच्छी भांग घोसड़ा जिंदगी भर चलता ही रहेगा, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। असली प्यार तुम्हारे माँ बाप तुमसे करते हैं, तो यार उनके साथ सेलिब्रेट करो वैलेंटाइंस डे, उनको बोल के देखो एक बार आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, फिर देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। वही असली लोग हैं यार जो तुम्हें प्यार कर रहे हैं, वरना ऐसी लड़कियां तो आती जाती रहती हैं। किसी ने सही कहा था, ट्रेन बस और लड़कियां ये आती जाती रहेंगी, क्यों इनके चक्करों में पड़ना यार, अपने करियर में फोकस करो, अपने माँ बाप से प्यार करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पढ़ना है, इनके ही पीछे थोड़ी सी खूबसूरती देखी नहीं कि पिघल लिए। जाकिर भाई को याद रखो यार, अपना आइडियल बनाओ जाकिर खान को, और भाई साहब सख्त लौंडा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो भाई। हद बीसी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है कैंपेन, बस हम तो सेल्स पर्सन है उसके, तो इससे पहले कि तुम लोग कहो कैरी की कॉपी, हद बीसी की कॉपी यानी 2.0 की कॉपी, यार मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी बोलो, मैं बस इन सबको देख रहा हूं, तो यार मेरे ऊपर थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा ही इनका। और भाई वो इंस्पिरेशन है काइंड ऑफ मेरे लिए, मुझे पसंद है, मैं देखता हूं डेली बेसिस में, तो यार थोड़ा बहुत तो निकल ही आएगा, अब क्या कर सकता हूं, ह्यूमन है तो थोड़ा बहुत तो निकल ही आता है। तो यार बस इतना ही कह सकता हूँ, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और भाई साहब शेयर नहीं करोगे ना यार, तो माता रानी सच्ची बोल रहा हूँ पाप लगाएगी तुम सिंगल्स को, तो स्पेशली पाप लगाएगी। जिनके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है उनकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सिंगल है और शेयर नहीं कर रहा है ना इस वीडियो को, माता रानी भाई साहब नरक में भी जगह नहीं देंगी तुम्हें। तो यार शेयर दिस वीडियो और कॉमेंट डाउन ऑन दिस वीडियो। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी, अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए सख्त लौंडा इंस्टीट्यूट में, तो भाई साहब आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ हम एडमिशन दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब दिस चैनल, मैं भी चलता हूं, मुझे भी वैलेंटाइंस डे की सेटिंग करनी है। तो सबसे पहली बात यहीं पर आती है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम करते ही क्यों हो भाई साहब, घर में चले जाओ, होटल ले लो, कम पड़ रही है,